सकती है। उसे लगता नहीं कि उसकी वजह से उसके भाई की जान गई है, वहीं पर चली गई। उसकी माँ भी परेशान होगी। किसी की जरूरत नहीं थी। ये वही है ना? आप अभी उससे प्यार करते हो ना? बिल्कुल करता हूँ। वो तार काट रखा उसने। साउंड का वायर काटा हुआ ना? इससे लगा लेगा। किसका घर है? माय गॉड, इसने मारा वो बुढ़ा है? नहीं, ये कोई मारेगा? क्या कर रही है? चिल्लाने वाला क्यों? तो पागल है। वो भी खतरे में आ गया उसकी वजह से। ये भी ना चिल्ला रही है। बड़ा ही नहीं है वो। पेन शुरू हो गया उसको। उसे सीढ़ी में जा रही हो क्या? ना नहीं, ऊपर वाली सीढ़ी। घर में कोई है भी नहीं। वो लड़की भी नहीं घर में, इसकी बेटी। उसके डैड को समझाना चाहिए था ना कि अपनी माँ के साथ रहना है ना। पैर कैसे निकाल गया वो? ब्लड से तो नहीं आता वो? ब्लड से नहीं आता। अच्छा, ये सिग्नल दे रही है वो। और उसने सिग्नल भी दे दिया। सिग्नल तो उसने इसलिए दे रखा ना ताकि वो अलर्ट हो जाए जो उसका हस्बैंड है। खोज निकला गया वो। इसकी आवाज़ से आया हुआ शायद ना, जो टूटे जो नीचे गिरी हुई चीज़ें हैं टूट के। ये तो चिल्लाई भी नहीं जब वो चुभा उसके पैर में कील। हल्का सी चिल्लाई थी। पर हल्के से चिल्लाई भी नहीं। तो पेन भी हो रहा हो, कैसे बर्दाश्त कर रही है? खून भी आ रहा है उसके पैर से। इन्हें जल्दी आना चाहिए था ना। इन्हें आगे वही मतलब सारे घर के सारे रूम चेक कर रहा हो। और चला गया वो? क्या हुआ ऐसे? उनके घर में दरवाजे वगैरह नहीं होंगे क्या? नहीं है दरवाजे। दरवाजे तो बंद होने चाहिए। दरवाजे में आवाज़ करते ना इसके साथ। दरवाजा जो है वो, हाँ एक दरवाजा था बाहर का, खुला ही रहता।
उसे दरवाजे भी तोड़ देगा आराम से, उसके दर्द तुम्हारे हो रहा है। ये देखो कितना खतरनाक सुनता है। अच्छा एक और साउंड करना था जो बहुत लाउडर हो, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए ना, उधर भाग जाए। बेटी भी गायब हो रही थी, वही ना आ जाए वहाँ पे ना, एक उसकी बेटे वाला की दुनिया में अपने, उसे रहना चाहिए था घर में नहीं। कितना दर्द हो रहा है उसे, बच्चा बाहर आने वाला है ना, अब ये भाग भी नहीं सकते। इवन आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है। ऊपर ही आ रहा हूँ। अब क्या करेगा आवाज में? अब चीज की आवाज सुन रहा हूँ। निकाल दे। वैसे देखो वहाँ सो रही है आराम से, जो गन रखी है सही तरीका ना पटाखे का, खून दिख रहा हो उसे पैर में, मैंने चुभे गए हुए। सही टाइम पे पहुंच गया वो बच्चा, नहीं तो वो मार देता उसे। क्या खून है उसने मेरी बीवी को मार दिया। आवाज भी तो नहीं आती कहीं। अरे कहाँ भाग रही है? चले पप्पू की आवाज हो रही है। शिट चलता जाता नहीं आराम से, कहाँ लेके जा रहा है इनको? हाँ क्यों मास्क लगा दे बिग भी, ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है। ओ बंद कर दिया। बैग तो गिरी सा। हाँ
असर पड़ रहा है उसे। अच्छा, इसमें इस मशीन की जो आवाज है ना, इससे वो भाग रहा है। इसका भी वही इंस्टेंट ज्यादातर रहता है। मशीन नहीं होती उसके पास, लेकर आओ उसे। भाई को देखने जा रही है, छुपा हुआ है वहाँ की। क्या हुआ उसी के भाई, छुपाया वहीं पर आगे बाहर। चला गया होगा वो टीचर वहाँ से, उसे आवाज़ को सुन के तो गया वो। उसके बाद जो यहाँ आया उन दोनों को लेके, अपने बच्चे और अपनी बीवी को। ये क्या है? अरे यार, वो इतना सारा पानी, पानी की आवाज़ सुन के भी तो आ जाएगा वो। टैंक से आ रहा था तो पानी बढ़ जाएगा नीचे। ये सिग्नल दे रहे हैं किसी के यहाँ, लाइट नहीं जल रही, इसका मतलब वो क्यों आएंगे मदद के लिए। कैमरे को देख लिया ना शायद उसके बाप ने। कैमरे वहाँ थोड़ा लेंगे उस टैंक के ऊपर। जलती हुई लाइट देखी होगी उसने। अरे पानी आ गया तो यार, कैन से छोड़ गई थी वो। पानी की आवाज सुन के आया वहाँ। पानी के अंदर भी जा सकता हूँ। सब बच्चा आवाज करने अच्छा, बच्चा रोने रह से अच्छा ध्यान दे चले गए पानी के पीछे चले गए। बच्चों को ढूंढ रहा है। चुपचाप से रुक नहीं सकती हुई, एक तो बात मानती नहीं दूसरे की। वही जा रहा है।
वो देखो देखो रे 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 कोई बच्चा समझदार है बहुत। आवाज चल रही है। आ गया आ गया। मैंने सोचा था वाटर टैंक है या तो अनाज से करना। मार दिया था उसने एंकर उन दोनों को। 2 मिनट का काम था। मशीन नहीं हो जाए तो नहीं मर गया। यहाँ से तोड़ के गया बाहर। अच्छा बाहर चले गया। बाय। देख रही है किस्मत से बचे हो मशीन से बचे। खोद गए वहीं से। अबे आवाज तो आई होगी ऊपर से खोदे हो। फिर से आ गया। हाँ तुम अभी तो छोड़ ही नहीं रहे हो। वही तो नहीं हो छुपा। बंद क्यों किया वो नहीं। तो बना दे वो लड़की पता नहीं चला अभी तक। वो लड़की अभी तक समझी नहीं उस चीज़ को। इसको खा दिया उसे अटैक कर दिया। मतलब वो ऐसा जैसे कोई वो नहीं होता उसके हाथ पैर ऐसे जैसे कोई वो जैसे कोई मेटल हो। हाँ इतने ताकतवर हैं उसके पैर। ये अपनी जान तो नहीं दे रहा उन्हें बचाने के लिए। I've always loved you। लड़के समझ जाते तो मैं भी देख रही हूँ। बच गई थी मेरी जान। बंद नहीं करना था ना उसे वो सॉन्ग। उसे अभी तक समझ नहीं आया ना कि इससे वो दूर आ रहे इस सॉन्ग से।
अभी भी उनको पीछे नहीं छोड़ने लगा। नीचे देख के चल रहा हूँ। उस पैर मैंने छू गया। नहीं छुआ, चल। हाँ अब देख रही हूँ। बच्चा बच्चा वो अच्छा है, मतलब साइलेंट हो काफी, शो नहीं कर रहा। गोली चलाएगा तो गोली का असर थोड़ा हुआ उस पर। गोली चलाएगी तो और आ जाएंगे फिर वहाँ। कितना डेंजरस है। उसका बच्चा वहाँ पे, बस रो ना दे। नॉइस आप पसंद नहीं उसको, यानी वो अरे जहाँ उसे आवाज़ सुनाई थी वहाँ हमला करता ना, वो देखता तो थोड़ा ना। साउंड प्रूफिंग कुछ समझ में आ रहा है सर। What is the weakness? वो समझ में आ गया इस लड़की को। आई उसे समझ शायद। ऑन कर रही हूँ कितना कमजोर पड़ने लग गया वो। मशीन को काम से निकाल दो ना। काम नहीं रही शायद। मुझे नाक फटने लगा। ना मर गया या इलाज मिल गया। वीकनेस नहीं नहीं फिर छूट गया। फिर आ गया गोली तो मारनी पड़ेगी उसे। लेकिन अभी गोली की आवाज़ और आ जाएंगे ना, इससे बस कमज़ोर होगा वो। पहली बार मारा करो ना किसी को। कितना बड़ा आया वो और आने लगी थी। गोली की आवाज़ सुनी ना उन्होंने, सीसीटीवी कैमरे में फोड़ दिए। देखें किस पे दिख रहा है थोड़ा। अरे रोजे तीन है बहुत सारे। क्या करेंगे वही करना पड़ेगा। साउंड चलाएंगे तब मारेंगे ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी उसकी। ये चीजें तो है कंट्रोल के पास है। एक दिन खत्म होती है। काफी कमाल की मूवी थी बहुत। एक मतलब नए कॉन्सेप्ट वाली मूवी थी। यूनिक कॉन्सेप्ट था बहुत। सब कुछ हाँ साइलेंट चल रहा था। इस तरह की मूवी मतलब कोई देखी नहीं हमने। फिल्में जो बनती हैं हॉलीवुड की वो जॉम्बीज पे बनती है। नहीं है मतलब खाली है भले शहर,
लेकिन वो लेते हैं चलते हैं, मतलब वो ये बात बूत करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलियन वाली मूवी भी है पर वो भी अलग होती है। अभी बोला नहीं गया ना एलियन है, अभी बस क्रिएचर बोला गया। क्रिएचर तो कोई बोल सकता है, बोला नहीं गया इसमें। तो अभी आए कहाँ से ये क्रिएचर, वो कुछ भी बताया नहीं गया। अभी वो सिर्फ साल चलता रहा ना 89 दिखाया इन्होंने, पर इन्होंने सीधे मतलब काफी बात का दिखा रखा इसमें ना। हाँ, बात की कहानी दिखा रखी है, पहले का नहीं दिखा रखा। तो उससे पहले का नहीं दिखाया। फर्स्ट डे था होगा, फर्स्ट डे वो था होगा जब वो पहली बार उन्होंने हमला किया होगा दुनिया में, हमला किया होगा वो था होगा। बहुत ही मतलब डेंजरस क्रिएचर है वो, जो कि बहुत ज्यादा तेज सुनते है। मतलब कान ही कितना बड़ा था उनका, बहुत बड़ा कान था उनका, हर एक चीज को अच्छे से बारीकी से सुनते। बहुत डेंजरस थे वो, इसीलिए बहुत सावधानी से स्टार्टिंग में तो हाँ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये इशारे में बात कर रहे हैं, सबके सब बिल्कुल साइलेंट हैं। वहीं पर पता चला जब उसका जो बेटा था छोटा वाला, उसने जब वो चलाया रॉकेट टॉय अपना जो एयरप्लेन था छोटा सा टॉय, तब वहाँ निकला वो बाहर, तो वहीं पर पता चल गया था कि आवाज नहीं करनी। इसलिए इस फिल्म का नाम क्वाइट प्लेस है, क्वाइट प्लेस रखा है, ऐसी जगह जहाँ कोई बोलता नहीं है। उन्होंने अपने डैड को भी खो दिया ना उस वजह से, पहले पता नहीं चल पाया ना लड़की को, और उसके डैड ऊपर जाते हैं। उसे वहाँ पे आके समझ आया जब उसने वहाँ पे वो देखी ना जो रिसर्च दिखी थी, जब उसने वहाँ पे उन चीज़ों को देखा, फिर उसने जो वो देखी वो मशीनें देखी जो उसके पापा ने बनाई थी, तब जाके उसे समझ आया कि ये इसकी वीकनेस हो सकती है। काफ़ी अच्छे से मतलब काम भी किया उसने। अगर वो चीज़ लास्ट में वो नहीं करती तो फिर गए थे वो सब। तब तो सबको मार देता, मतलब बंदूक का भी असर नहीं होता ना उस पर। एक बंदूक से क्या होता, वो तो सारे आए थे और पहले ही दम पे खत्म कर सकता था उन्हें। उनका उसका इतना बड़ा वो था हाथ, नुकीले हाथ, एक मार जैसे तो खत्म। मतलब कुछ अलग ही तरह का क्रिएचर था वो। उसके मतलब जो वो थे पैर थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई मेटल हो, नहीं सीधा वो मेटल में भी छेद कर दे रहा था। तो इतने इतना डेंजरस था वो, इतना स्ट्रॉन्ग। और जिस तरह की मतलब इसमें एक्टिंग है की हुई, सभी एक्टर ने बहुत ही कमाल की हुई है। औरत का बहुत खत्म लगा था ना, स्पेशली जब उसकी डिलीवरी हो रही थी उस टाइम पे, बहुत ऐसे हो गया था कि उस आदमी ने काफ़ी मेहनत की अपने फैमिली को बचाने के लिए ना। मतलब वो बहुत यूनिक था ना, क्लोज ही था वो, बस उसको वीकनेस पता चले तो आसानी से मार देते। फिर उसकी बेटी थोड़ा अजीब सी थी, वो कभी कहीं भाग जा रही कहीं भाग जा रही, डर नहीं रही मतलब ना। तो हमें ये मूवी पसंद आई, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट मूवी में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।